हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरजीत। आज हम आप लोग को रूफटॉप पे माउंट का जो है पैकेज एसी का, अच्छा और भी बहुत से जो भी एसी में आते हैं, सेंट्रल एसी आते हैं, ये सब में देख सकते हैं। कोई सा भी मॉडल रहे एसी है उसका सब कुछ जो है मेन जो है क्या क्या ट्रबल शूट आते हैं, जैसे कि कंप्रेसर का सक्शन प्रेशर हाई हो गया है या चाहे सक्शन प्रेशर लो हो गया है, डिस्चार्ज प्रेशर हाई हो गया है, यूनिट नहीं चल रहा है, एक्स्ट्रा स्टाफ, बहुत से जो भी फॉल्ट आते हैं पैकेज एसी में, सेंट्रल एसी में, वो सब कुछ हमें ट्रबल शूट के चार्ट में आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या करेंगे ठीक होगा। अगर आप जानना चाहते तो पूरा वीडियो देखें जरूर। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और इस बेल घंटी को भी साथ में दबा दे, क्लिक कर दे, जिससे हम कोई सा भी दूसरा वीडियो बनाए आपको सबसे पहले मिले और इसका लाभ उठा सके। तो आप यहाँ से देख सकते रहेंगे, ये जो हमारा लिखा हुआ है स्टार्टअप परफॉर्मेंस ट्रबल शूटिंग, यानी कि इसका जो ट्रबल शूटिंग वगैरह है क्या क्या चीज़ रहता है, इसके बारे में हम आप लोग को समझाने दिखाने बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है हमारा टेबल 11-12 लिखा हुआ है, तो ये जो है चार्ट है हमारा, तो इसको हम आप लोग को इसके बारे में समझा देते दिखा देते हैं क्या चीज़ का प्रॉब्लम रहता है, कैसे फॉल्ट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसमें जो है डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा हुआ है, रेमडी वगैरह लिखा है, सिम्टम लिखा हुआ है, तो इसमें जो है क्या क्या चीज़ रहता है यहाँ पर, जो इसका मतलब जो है यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में लिखा हुआ है हाई हेड लो सक्शन, यानी कि जो डिस्चार्ज प्रेशर रहता है, हेड प्रेशर रहता है हाई है ज़्यादा है और लो प्रेशर जो है कम है, वो कंडीशन में क्या प्रॉब्लम होगा। इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है रिएक्शन इन लिक्विड लाइन आवर कैपिलरी टू आवर फिल्टर ड्रायर, यानी कि जो है इसमें जो लिक्विड लाइन का पाइप रहता है वो ब्लॉकेज रहेगा, जाम रहेगा उसमें जो है, जिससे गैस वगैरह पास नहीं हो पा रहा है, या कैपिलरी ट्यूब रहता है वो ब्लॉकेज हो सकता रहेगा, या फिल्टर ड्रायर है वो भी ब्लॉकेज होगा। तो कंडीशन में जो है हमारा जो है लिक्विड लाइन अगर ब्लॉकेज है, पंच हो गया है कई कारणवश, जैसे गैस पास नहीं हो पा रहा है, या फिल्टर ड्रायर जो है ब्लॉक हो गया है, खराब हो गया है, कैपिलरी ट्यूब जो रहता है वो भी ब्लॉक हो गया है, खराब हो गया है, या पंच हो गया है, वो कंडीशन में जो है उसका डिस्चार्ज प्रेशर जो है हेड प्रेशर ज़्यादा रहेगा और सक्शन जो लो रहेगा, क्योंकि जो है पीछे जो लिक्विड लाइन के पीछे जो है हाई प्रेशर रहता है, डिस्चार्ज लाइन रहता है, गैस रहता है जिससे हाई दिखाएगा, और उसके आगे जो हमारा लिक्विड लाइन है उसके आप कैपेसिटिव फिल्टर डाल लगा था, उसके आगे लो प्रेशर हो जाता है, तो वहाँ से गैस लो कम हो जाएगा जिसकी वजह से सक्शन लो हो जाएगा। तो ये कंडीशन में हम यहाँ से रिमूव रिप्लेस डिफेक्टिव कंपोनेंट, यानी कि जो है इसका अगर फिल्टर ड्रायर खराब है तो उसको हम चेंज करेंगे, कैपिलरी ट्यूब खराब है तो उसको साफ करेंगे या चेंज करेंगे, लिक्विड लाइन को हम चेक करेंगे, रिपेयर करेंगे, उसमें कुछ ब्लॉकेज वगैरह है तो उसको भी हम चेक करके चेंज करेंगे। अगर हाई प्रेशर जो है लो है, हाई प्रेशर जो है ज़्यादा हाई है और लो सक्शन प्रेशर है तो वो कंडीशन में ये सब प्रॉब्लम होगा। उसके बाद आता है हाई हेड और नॉर्मल सक्शन, यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर या हेड प्रेशर जो है ज़्यादा है हाई है और सक्शन प्रेशर जो है नॉर्मल है, इसके पहले लो था लेकिन इसमें जो है नॉर्मल है और डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा है, तो वो कंडीशन में है डर्टी कंडेंसर कॉयल, यानी कि कंडेंसर कॉयल जो है गंदा रहेगा, उसको क्लीन करेंगे वो सही हो जाएगा, या तो उसमें ओवर चार्जेड गैस, यानी कि उसमें गैस जो है ज़्यादा चार्ज हो गया रहे, गैस ज़्यादा हो गया है तो उसको जो है इनकरेक्ट सिस्टम, यानी कि गैस से थोड़ा गैस कम करेंगे, निकालेंगे उसको, एडजस्ट करेंगे। कंडेंसर फैन मोटर नॉट रनिंग, यानी कंडेंसर फैन मोटर रहता है वो भी नहीं चलेगा, अगर कंप्रेसर हाई हो जाता है तो कंडेंसर फैन रहता है वो भी नहीं चलेगा, इसको जो है हम रिपेयर और रिप्लेस, यानी कि कंडेंसर फैन जो है उसको रिपेयर कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या तो रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर देख सकते हैं लो हेड हाई सक्शन, यानी कि जो है डिस्चार्ज प्रेशर जो रहता है, हेड प्रेशर जो रहता है लो है और उसके बाद जो है लो है और सक्शन प्रेशर जो इसका हाई है, तो वो कंडीशन में देख सकते रहेंगे इनक्रेट कैपिलरी ट्यूब, यानी उसका कैपिलरी ट्यूब जो है वो सही साइज का नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है खराब या साइज का नहीं है, तो उसके वो कंडीशन में जो है रिप्लेस करेंगे इवेपोरेटर असेंबलिंग, यानी जो इवेपोरेटर का असेंबलिंग वगैरह रहता है उसको सही सेट करेंगे और कैपिलरी ट्यूब का डाटा जो है उसको सेट करेंगे। उसके बाद आता है बी है हमारा, इसमें जो है
बी आता है इसमें डिफेक्टिव कंप्रेसर वाल्व, यानी कि कंप्रेसर का जो वाल्व रहता है डिफेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से जो है हाई प्रेशर यानी कि पंपिंग फेल हो गया है। नॉर्मल सीधी बात कहा जाए तो अगर सक्शन प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो कंप्रेसर का पंपिंग फेल हो गया, तो रिप्लेस कंप्रेसर यानी कंप्रेसर को चेंज करेंगे या रिपेयर करा सकते हैं तो रिपेयर कराएंगे। उसके बाद आता है हमारा, यहाँ से आप देख सकते रहेंगे, यूनिट विल नॉट रन, यानी कि यूनिट यानी कि हमारा एसी जो है रन नहीं, यानी चालू नहीं हो रहा है, वर्किंग कंडीशन नहीं है, वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो वो कंडीशन में जो है इसमें देख सकते हैं ये लिखा है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है पावर ऑफ आवर लूज कनेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, यानी कि इसमें जो या तो ब्रेकर वगैरह ट्रिप है, बंद है, कुछ ब्रेकर वगैरह ऑफ है, उसमें पावर नहीं है, वोल्टेज नहीं, जिसकी वजह से वो नहीं चल रहा है, या कुछ लूज कनेक्शन है, उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चेक फॉर यूनिट वोल्टेज आवर कॉन्टेक्टर, यानी कि उसमें जो कॉन्टेक्टर रहता है उसको चेक कर लेंगे, वोल्टेज वगैरह चेक कर लेंगे। इसमें जो है कनेक्शन यूनिट में रहता है, तो जो कनेक्शन यूनिट है इसको उसमें कॉन्टेक्टर हो गया, वोल्टेज वगैरह चेक कर लेंगे, वोल्टेज है कि नहीं है, कॉन्टेक्टर खराब हो सकता रहेगा अगर एसी नहीं चल रहा है तो। उसके बाद आता है बी, आता है यहाँ पर जैसे थर्मोस्टेट आउट ऑफ सेलिब्रेशन सेट टू हाई, यानी कि जो उसका थर्मोस्टेट है, उसका हनीवाल थर्मोस्टेट हो सकता है, चाहे कोई सा भी थर्मोस्टेट है, उसका सेटिंग जो है हाई, ये ज़्यादा हो गया है, सेटिंग कर दिया गया है, जिसके वजह से जो है कंप्रेसर नहीं चल रहा है, जो रूम का टेम्परेचर से वो ज़्यादा सेटिंग कर दिया गया हाई है सेटिंग, जिसके वजह से वो नहीं चल, उसको हम रिसेट करेंगे, सेट करेंगे। उसके बाद आता है जैसे कि डिफेक्टिव कॉन्टेक्टर, यानी कम कॉन्टेक्टर जो है डिफेक्टिव खराब हो गया है, तो ये जो पैकेज एसी है इसमें जो हमारा 24 वोल्टेज का कॉन्टेक्टर लगा हुआ रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है चेक फॉर 24 वोल्ट्स कॉन्टेक्टर क्वाइल, रिप्लेस द कॉन्टेक्टर आवर ओपन, यानी कि जो उसका कॉन्टेक्टर जो है खराब हो सकता रहेगा तो उसको रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे, वो सही हो जाएगा, रिपेयर ठीक करेंगे अगर एसी हमारा नहीं चल रहा है तो। उसके बाद आता है बेलोन फ्यूज, यानी कि उसका फ्यूज जो है जल गया है, उड़ गया है, खराब हो गया है, तभी भी हमारे यूनिट नहीं चलेगा अगर फ्यूज वगैरह उड़ गया रहेगा तो। उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर डिफेक्टिव, इसमें जो 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर रहता है कंट्रोल का रहता है वो खराब हो गया रहेगा, तो वो कंडीशन में जो है उसका ट्रांसफार्मर डिफेक्टिव, यानी कि चेक करेंगे वायरिंग और रिप्लेस ट्रांसफार्मर, उसका वायरिंग वगैरह खराब रहेगा तो वो कंडीशन में भी नहीं चलेगा, तो कंडीशन में जो इसका ट्रांसफार्मर चेंज करेंगे। उसके बाद आता है हाई प्रेशर कंट्रोल ओपन, यानी कि HP स्विच रहता है वो जो है ज़्यादा गैस हो गया है या कंडेंसर फैन नहीं चल रहा है, ज़्यादा हो गया है, ओपन हो गया है, उसका HP स्विच जो है वो ओपन हो गया है, सर्किट वो खराब हो गया है, या तो गैस ज़्यादा होने की वजह से, तो आगे इसको देख सकते हैं रिसेट करेंगे, रिसेट करके हेड प्रेशर जो रहता है इसको रिसेट करेंगे, चेक करेंगे रेमडी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कंट्रोल करेंगे उसका जो है 430 PSI से वो ज़्यादा होता रहेगा, जिसकी वजह से जो है हाई प्रेशर जो है ओपन हो गया है, ट्रिप हो गया है, तो उसको हम गैस चेक करेंगे, कारण चेक करेंगे, यार कंडेंसर फिर नहीं चल सकता रहेगा, क्या गंदा रहेगा, कुछ प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, तो इसको हम चेक करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर कंप्रेसर ओवरलोड कॉन्टेक्टर ओपन, यानी जो कंप्रेसर है उसका ओवरलोड रहता है कंप्रेसर में, वो जो है ओपन हो गया है, यानी कि कंप्रेसर बाय द वे हाई एम्पियर से या कोई कारणवश उसमें जो है ओवरलोड ले लिया है, उधर ट्रिप कर गया है, तो उसको जो है ओवरलोड का जो इंटरनल जो है कंप्रेसर का, उसको एक्सटर्नल ओवरलोड रिप्लेस करेंगे या तो चेंज करेंगे, उसको चेंज करें या तो फिर उसको जो वेट करेंगे 2 आवर्स, नीचे लिखा हुआ है नोट, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है नोट, वेट ए लास्ट लेट 2 आवर्स ओवरलोड रिसेट, यानी 2 घंटे में वापस जो है रिसेट होता है अगर सही रहेगा, तो खराब रहेगा उसको चेंज करेंगे। उसके बाद आता है कंडेंसर फैन रन कंप्रेसर डज नॉट वर्क, यानी कंडेंसर फैन जो है चलता है लेकिन कंप्रेसर नहीं चलता है, तो वो कंडीशन में जो है इसका रन और स्टार्ट कैपेसिटर जो है खराब हो सकता रहेगा, तो उसको हमें चेंज करना है, रिप्लेस करेंगे। उसके बाद आता है स्टार्ट रिले डिफेक्टिव, यानी कि उसका स्टार्ट रिले रहता है वो डिफेक्टिव है, खराब है, तो उसको चेंज करेंगे। उसके बाद आता है लूज कनेक्शन, यहाँ पर देख सकते हैं सी जो है लूज कनेक्शन है, उसमें अगर लूज कनेक्शन रहेगा तो भी कंडेंसर फैन चल रहा है, कंप्रेसर नहीं चलेगा, वो कंडीशन में भी चेक फॉर यूनिट वोल्टेज एट कंप्रेसर चेक एंड टाइट ऑल कनेक्शन, यानी कि जिसका जो है
अब वोल्टेज वगैरह चेक कर लेंगे, उसमें पावर जो वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कुछ कॉन्टेक्टर वगैरह लूज है, कनेक्शन उसका लूज है, उसको टाइट करेंगे, रिटाइट करेंगे, चेक करने के बाद इसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकता रहेगा। उसके बाद आता है कंप्रेसर स्टक, ग्राउंड और ओपन, मोटर वाइंडिंग ओपन, इंटरनल ओवरलोड ओपन रहेगा। इंटरनल जो उसका कंप्रेसर का जो है उसमें ग्राउंड हो गया है, स्टक हो गया है, या तो उसमें इंटरनल जो ओएलपी रहता है, ओवरलोड लगा रहता है कंप्रेसर में, वो जो है ओपन हो गया है, खराब हो गया है। तो वो कंडीशन में भी इसका वेट करेंगे लास्ट 2 घंटा तक, उसको ठंडा कंप्रेसर अगर गर्म हो गया है तो उसका अंदर से जो इंटरनल जो थर्मोस्टेट सॉरी ओएलपी रहता है, ओवरलोड रहता है, वो जो उसका लिंक ओपन हो जाता है और इसका कंटिन्यू नहीं बताता है, उसको नहीं चलेगा। तो कंडीशन में भी हम उसको 2 घंटा तक वेट करेंगे, या तो उसको ठंडा पानी से कंप्रेसर को ठंडा करेंगे और उसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और सही है तो उसको स्टार्ट कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो उसको कंप्रेसर को रिप्लेस करेंगे, अगर ओवरलोड स्टेट नहीं रिसेट नहीं होता है तो। उसके बाद आता है लो वोल्टेज, लो वोल्टेज कंडीशन, यानी कि उसका जो है लो वोल्टेज वोल्टेज वगैरह जो पावर है कम आ रहा है, तो पावर में अगर कम रहेगा तो भी वो कंडीशन में कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एड स्टार्ट किट कंपोनेंट, यानी कि उसमें जो कंपोनेंट वगैरह है उसको चेक करेंगे और स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर हमारा लो सक्शन, यानी कि सक्शन प्रेशर जो है लो है, लो सक्शन कूल कंप्रेसर आइस इवेपोरेटर, यानी कि सक्शन जो लाइन है उसका जो ठंडा है, लो सक्शन कूल यानी कि कंप्रेसर का सक्शन लाइन जो है कम है और ठंडा है, और इवेपोरेटर में जो है उसका आइस जम रहा है। तो उसके कंडीशन में देख सकते हैं, अगर इवेपोरेटर में आइस आ रहा है, सक्शन लाइन ठंडा है, तो लो इंडोर एयर फ्लो, यानी कि इंडोर का जो है अंदर जो एयर फ्लो रहता है, हवा कम आ रहा है, तो कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम होगा, इंडोर में आइस जमेगा। इंक्रेस स्पीड ऑफ ब्लोअर और रिड्यूस द रेजिस्टेंस रिप्लेस एयर फिल्टर, यानी कि इसका जो है स्पीड, ब्लोअर मोटर का जो स्पीड है उसको हम चेक करेंगे, स्पीड सही है कि नहीं है, या स्पीड उसका बढ़ाएंगे, बेल्ट वगैरह टूट सकता है, खराब हो सकता है, उसको चेक करेंगे, या एयर फिल्टर जो उसमें लगा रहता है वो ब्लॉकेज हो सकेगा, उसको सर्विस करेंगे या चेंज करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे बी में आता है इसका ऑपरेटिंग यूनिट टेम्परेचर बेलो 60 डिग्री आउट टेम्परेचर, यानी कि जो 60 डिग्री से जो है इसका आउटडोर का आउटसाइड टेम्परेचर जो है 60 डिग्री से कम है, तो यानी कि बाहर का जो कंडेंसिंग वातावरण है, जो ठंडा हवा जो बाहर के एसी का जो बाहर के आसपास के जो भी टेम्परेचर है वो ठंडा है, बहुत ठंडा है, जिसकी वजह से उसमें इंडोर में भी एलपी पे जाएगा और आइस आएगा, उसमें प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। तो इसमें देख सकते हैं एयर लो एम्बियंट की, यानी कि बाहर का जो टेम्परेचर हो रहा है एड करेंगे और इसमें लो करेंगे। उसके बाद आता है कंप्रेसर शॉर्ट साइकिल रेजिस्टेंट रजिस्टर स्विच, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्रेसर शॉर्ट साइकिल हो रहा है और रजिस्टर स्विच कर रहा है, यानी कि इसमें जो कंप्रेसर शॉर्ट, यानी उसमें जो रेफ्रिजरेंट साइकिल जो रहता है बनता है, गैस वगैरह है कम हो रहा है, गैस जो है कम हो रहा है, कंडेंसिंग कम हो रहा है, गैस कम रहेगा उसमें, शॉर्ट साइकिल हो रहा है, यानी कि उसमें कूलिंग कम हो रहा है, कंप्रेसर में जो है कूलिंग कम हो रहा है, और पाइप पे जो है शूटिंग जम रहा है, यानी कि मॉइस्चर वगैरह आ रहा है, पानी नमी हो रहा है, तो उसमें जो है डिफेक्टिव ओवरलोड प्रोटेक्टर, यानी कि जो ओवरलोड रहता है प्रोटेक्टर वो खराब रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिप्लेस चेक करेक्ट वोल्टेज, यानी कि जो वोल्टेज वगैरह रहेगा उसको हम चेक कर लेंगे, कंप्रेसर में जो है कंप्रेसर में वोल्टेज वगैरह कम आ रहा है, इसके उसका सही नहीं चल रहा है, तो कंडीशन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद आता है लो एयर फ्लो, यानी कि एयर फ्लो जो उसका है कम हो, सॉरी यहाँ पर आ रहा है दूसरा, हाँ लो एयर फ्लो, तो इसका जो एयर फ्लो वगैरह है कम बन रहा है, तो कंडीशन में भी आप देख सकते रहेंगे, अगर लो एयर फ्लो हो रहा है तो इंक्रेस स्पीड फ्राउंड ब्लोअर और रिड्यूस रेजिस्टेंस रिप्लेस एयर फिल्टर, यानी कि स्पीड जो है लो एयर फ्लो है तो कंडीशन में जो एयर फिल्टर है उसको रिप्लेस करेंगे या सर्विस करेंगे, या तो फिर जो ब्लोअर लगा रहता है ब्लोअर को उसको चेक करेंगे, स्पीड उसका बढ़ाएंगे, कम रहेगा वोल्टेज वगैरह, बोल्ट वगैरह बेल्ट वगैरह टूटा रहेगा तो उसको सही करेंगे। उसके बाद आता है हाई सक्शन प्रेशर, यानी कि जो है सक्शन प्रेशर ज़्यादा है,
उसके बाद इसमें सक्शन प्रेशर ज़्यादा है एक्सिव लोड, यानी कि उसमें जो है लोड बहुत अधिक हो गया, यानी कि जो रूम में टेम्परेचर है गर्म ज़्यादा हो गया है, या ज़्यादा आदमी आ गए हैं, या कुछ कोई भी कारण से बाहर से हवा आ रहा है, आउटडोर से जो बाहर का हवा रहता है रूम में आ रहा है, तो उसके लिए दे सकते हैं रिचेड लोड कैलकुलेटर, यानी इसका जो है या तो चेक कर लेंगे हमारा बाहर से हवा आ रहा है, या तो रूम का साइज जो कैपेसिटी है वो बड़ा है, या तो उसमें देख सकते रहेंगे डिफेक्टिव कंप्रेसर, यानी कि सक्शन प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया है, अगर सब कुछ सही है चल चल के अगर ज़्यादा हो गया है, सक्शन प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, पहले से कंप्रेसर लगा हुआ चल रहा है, बाद में इसका सक्शन प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो डिफेक्टिव कंप्रेसर, यानी कि कंप्रेसर का जो सक्शन प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उसका पंपिंग फेल हो जाएगा, अगर कंप्रेसर चल चल के चलते टाइम में कुछ दिन में कंप्रेसर का सक्शन प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, वो कंडीशन में सक्शन लाए कंप्रेसर का पंपिंग फेल हो जाए, मैकेनिकल सिस्टम प्रॉब्लम है तो कंप्रेसर को ही रिप्लेस करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद देख सकते हैं इनसफिशिएंट कूलिंग, यानी इसमें कूलिंग जो है कम हो रहा है, तो एक कंडीशन में भी देख सकते हैं इंप्रोल्यूस साइज यूनिट, यानी कि इसका साइज जो है प्रॉपरली उसका साइज चेक कर लेंगे कितना साइज है इसका, और रिकैलकुलेट लोड इसके जो लोड वगैरह है उसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना ठंडा हो रहा है, रूम का कैपेसिटी क्या है। उसके बाद इम्प्रूव एयर फ्लो, यानी कि एयर फ्लो जो है उसमें जो उसको हम बढ़ाएंगे, यानी कि जो ब्लोअर वगैरह का स्पीड रहता है वो कम हो सकता रहेगा, उसको हम बढ़ाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं चेक साउल अप्रोक्सीमेटली 400 CFM पर टन, यानी कि एक टन में जो है 400 CFM 400 CFM होना चाहिए ब्लोअर का स्पीड। इनक्रेस रेफ्रिजरेंट चार्ज, यानी कि और भी इसमें जो है इनकरेक्ट रेफ्रिजरेंट चार्ज, यानी इसमें और भी इसमें जो गैस है जो है वो सही नहीं पड़ा हुआ है, तो इसमें चार्ज करेंगे और भी गैस इसमें चार्ज करेंगे सही हो जाएगा। इनकरेक्ट वोल्टेज, यानी वोल्टेज भी इसमें सही नहीं आ रहा है, कम वोल्टेज वगैरह है, तो इसको जो भी यहाँ पे कंप्रेसर टर्मिनल वोल्टेज चेक करेंगे और उसको भी सही करेंगे, वोल्टेज को सही सही करेंगे इसको। तो इस तरह से आपने देखा है जो रूफटॉप का पैकेज एसी आता है तो उसमें जो नॉर्मल है कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हो सकता है, और भी बहुत से एसी आते हैं सब में नॉर्मल इस तो तरह से आशा प्रॉब्लम हो करता सकता हूँ है। आपको जरूर कुछ सीखने को मिला रहेगा, अगर ये वीडियो में आपको सीखने को मिला है तो आप भी जो है नए टेक्नीशियन नए लोगों का हेल्प जरूर करें, ये वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं देखना चाहते हैं जानना चाहते हैं एसी के बारे में, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है उसको ऑन कर दे जिससे हम दूसरा कोई सा वीडियो बनाए आपके पास भेज सके और आपका सीधा फायदा ले सके। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें पूछ सकते हैं क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, आप हमें सुझाव दे सकते हैं अपना, या कुछ और भी आप जानना चाहते हैं हमें कमेंट करें, उसका वीडियो हम आप लोग के लिए बनाकर देंगे और आप लोग का हेल्प हम इसे करते रहेंगे। और हमारा रिक्वेस्ट यही है आप भी जो है नए टेक्नीशियन नए लोगों का हेल्प जरूर करें, ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करेंगे तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगा, ये वीडियो वायरल होगा आप लोगों की मदद से जिससे अधिक से अधिक लोगों का हेल्प होगा। तो आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।